सो हाय एवरीवन, दिस इज ए मोनू। सो फ्रेंड्स, फाइनली बीसीसी ने बिहार पारा मेडिकल के लिए सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट बिहार पारा मेडिकल के लिए सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे थे, तो फाइनली आ चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहेगा बिहार पारा मेडिकल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, जो स्टूडेंट को मिला है, कौन कौन से कॉलेज मिला है एंड नहीं मिला है, तो उनको क्या करना है, ये सब चीज़ें के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे फर्स्ट नंबर में, जो स्टूडेंट डीसीसी पीएम के फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ से डाउनलोड करना। एंड अदरवाइज यदि डीसीसी पीएमएम का जो फॉर्म फिल किए हैं पारा मेडिकल मैट्रिक्स के लिए, तो सेकेंड नंबर है। तो सबसे पहले मैं पारा मेडिकल के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड फॉर डीसीसी पीएम काउंसलिंग 2022। जो स्टूडेंट डीसीसी एमएम के लिए होंगे तो ये आप क्लिक करना। तो सिंपली नीचे वाला क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर सिंपली ओके करना है। तो यहाँ पर मैंने ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। यदि आप लोग मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको ध्यान देने वाली बात है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करना है। इसमें आपको क्या क्या मांगेगा देख सकते हैं। सबसे पहले बिहार पारा मेडिकल के लिए है जो काउंसलिंग हो रहा है, और इसका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर मिला होगा, आपको रैंक कार्ड पर रोल नंबर होगा वहाँ पर, यहाँ पर सबमिट करना। उसके बाद पासवर्ड बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेक्रेटरी पिन, जो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 6 डिजिट का 376B22, तो वहाँ पर जो भी आपका होगा वो यहाँ पर सबमिट करना। सबमिट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, साइन इन कर लेना है। और जिनका भी स्टूडेंट, वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका जो पासवर्ड होता है वो भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा, तो आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड पर एक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता दूंगा। तो सिंपली आप यहां से साइन इन करने के बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आ गया है, और जो भी आपका क्वायरी है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।